नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ बिहार। मैं हूं आपके साथ शिखर शुक्ला। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। कोरोना से 24 घंटे में 51 लोगों की गई जान, 10,000 से अधिक लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। अब बिहार में 50,000 से अधिक एक्टिव मामले आए सामने। पटना में 24 घंटे में आए 2,186 नए मामले, 11 की हुई मौत। गया में रिकॉर्ड तोड़ 1,081 और सारण में 530 आए नए मामले। पटना में 15 दिनों से 182 डॉक्टर और 362 हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। गया जंक्शन पर रात में दिखी कोरोना की अजूबा जांच। इकलौते काउंटर पर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक खाली पड़ी थी कुर्सियां, मजाक उड़ा रहे थे यात्री। कल से बढ़ाए जाएंगे बेड, राजेंद्र आई हॉस्पिटल में 100 और IGIMS में 100 से 150 बढ़ेंगे बेड। सिवान के पूर्व सांसद साहबुद्दीन को तिहाड़ जेल में हुआ कोरोना, इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रेन रुकने से पहले ही कूद कर भागने लगे यात्री, दानापुर स्टेशन पर पुलिस वालों ने पैसेंजर्स को खदेड़ कर पकड़ा, जबरदस्ती करवाया गया कोरोना टेस्ट। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना से बेटे की मौत के बाद 15 घंटे के भीतर पिता की भी गई जान। मौत के बाद अपनों ने ठुकराया, दरभंगा में कोरोना के शिकार लोगों को छोड़ परिजन भागे, कबीर सेवा संस्थान ने किया अंतिम संस्कार। लालू यादव को बाहर निकलने के लिए करना होगा और इंतजार, कोरोना के कारण 25 अप्रैल तक अदालतें रहेंगी बंद, बिना बेल बॉन्ड भरे लालू यादव नहीं आ सकते हैं बाहर। पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला न्यायालय को दिया निर्देश, वर्ष 2012 से उम्र कैद की सजा काट रहे एक युवक को संतान पैदा करने के लिए 15 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करें। मधुबनी के खिरहर के धरोहर नाथ महादेव मंदिर में 2 साधुओं का कुदाल से गला काट कर किया हत्या, आरोपी है फरार। दानापुर के रेल अस्पताल में 14 घंटे पड़ा रहा महिला रेलकर्मी का शव, हंगामा बढ़ा तब आ गया अधिकारी। बिहार में कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर पुलिस ने एक दिन में वसूला 7.24 लाख रुपए का जुर्माना, 4 को किया गया गिरफ्तार। सुशील मोदी ने राहुल व तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा अस्पतालों में रुई सुई नहीं देने वाले उठा रहे सवाल। मधेपुरा में शव को नदी में फेंक फरार हुए लोग, कोरोना संक्रमित होने की आशंका से पुलिस ने भी नहीं उठाई लाश। PMCH में हुई लापरवाही, 9 साल की बच्ची की 5 दिन बाद मिली जांच रिपोर्ट, न नेगेटिव लिखा और न ही पॉजिटिव, परिजन हुए परेशान। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए 72 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा तय करने की है मांग। भर्ती प्रक्रिया में आई रुकावट, कोरोना महामारी की वजह से BPSC समेत 6 परीक्षाएं हुई स्थगित। कोरोना के कारण पटना में एयर एम्बुलेंस से भी महंगी हो गई है सड़कों की खटारा एम्बुलेंस। आज की सुर्खियों में बस उतना ही, बाकी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच बिहार।